आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। भारत ने आतंकवादियों के आका को सबक सिखाने के लिए एक और हथियार तैयार कर लिया है। ये एक ऐसा हथियार है जिसके बारे में सुनकर पाकिस्तान को तो मिर्ची लगनी तय है, उसके साथ ही साथ एक ऐसा ताकतवर देश है जिसके होश उड़ जाएंगे। एक बार फिर पाकिस्तान समेत वो ताकतवर देश बौखला जाएंगे। दरअसल भारत पाकिस्तान के सबसे पक्के दुश्मन को मिसाइल देने जा रहा है। ये खबर सुनकर पाकिस्तान, टर्की और इन दोनों के पक्के दोस्त अजरबैजान, इन तीनों के पैर तले जमीन खिसक जाएगी। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि कैसे, तो आपको बता दें, भारत और आर्मेनिया के बीच हथियारों की डील को लेकर खबर सामने आ रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद चलता रहता है और इसके चलते पाकिस्तान भी आर्मेनिया को अपना दुश्मन मानता है। इसी के साथ आपको बता दें, खबर ये भी है कि भारत ने आर्मेनिया को मिसाइलें और अन्य खतरनाक हथियार देने का फैसला किया है। मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव परेशान उठे और उन्होंने आपत्ति जताई है। इल्हाम अलीयेव ने कहा कि ये भारत का अनफ्रेंडली कदम है। उन्होंने आगे कहा, हमारे दुश्मन आर्मेनिया को भारत की तरफ से हथियार दिए जाना एक अनफ्रेंडली कदम है। हम एक गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं और उससे तुरंत निपटेंगे। खतरा चाहे कहीं भी हो, हमारी सीमा के अंदर या बाहर, हम उसे खत्म करेंगे। ऐसा करना हमारा अधिकार है। राष्ट्रपति इल्हाम का दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा, हम जानते हैं कि कौन से ऐसे देश हैं जो आर्मेनिया को हथियार देने की तैयारी में है। दुर्भाग्य से भारत अब उनमें से एक है। उनका यह कदम मित्रता वाला नहीं है, क्योंकि इन हथियारों का टारगेट सिर्फ एक ही होगा और वो है अजरबैजान। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का विवाद दशकों पुराना है। दोनों देश नागोर्नो काराबाख के पर दावा करती हैं। इसको लेकर कई बार दोनों देशों की झड़प भी हो चुकी है, इसलिए दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।